हेलो एवरीवन मैं हूं पवन नेगी और आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास सेवेंथ साइंस चैप्टर नंबर फोर जिसका नाम है हीट और ये इस वीडियो लेक्चर का पहला पार्ट है तो आइए शुरू करते हैं तो हीट का क्या डेफिनेशन है आप पहले उसको समझते हैं हीट मीन्स एनर्जी विच इज मूव बिटवीन टू थिंग्स वैन वन ऑफ दैम इज हॉटर इट मीन्स हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जो हीट है वो एनर्जी का एक फॉर्म है और ये दो ऑब्जेक्ट के बीच में फ्लो करेगा कब जब उनमें से एक का टेम्परेचर दूसरे से ज़्यादा हो मान लीजिए आपके पास दो ऑब्जेक्ट है ए एंड बी और इनके बीच में हीट कब फ्लो करेगा वैन सपोज द टेम्परेचर ऑफ़ ए इज़ ट्वेंटी फाइव डिग्री सेल्सियस एंड टेम्परेचर ऑफ़ बी इज ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस तो जो हीट है वो फ्लो करेगा ए से बी की तरफ और ऐसा कब तक फ्लो करेगा जब तक इन दोनों में में जो हीट है वो बराबर ना हो जाए राइट सो हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज़ मूव बिटवीन टू थिंग्स और टू ऑब्जेक्ट्स विच हैव डिफरेंट टेम्परेचर राइट तो ये है डेफिनेशन ऑफ हीट और जनरल सेंस uh, में हम हीट को कैसे समझेंगे दैट इट कैन बी एक्सपीरियंस बाई हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द ऑब्जेक्ट हम कहते हैं मान लीजिए ए और बी दो ऑब्जेक्ट है तो ज़्यादा हीट किस में है ऑब्वियसली ए में क्योंकि बी के कंपैरिजन में ए का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा है सो हीट कैन बी एक्सपीरियंस बाय हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द ऑब्जेक्ट ए में भी हीट है बी में भी हीट है बट ए में जो अमाउंट ऑफ हीट है वो ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू द बी राइट तीसरी बात है हॉटनेस एंड कोल्डनेस आर द रिलेटिव कॉन्सेप्ट इसका क्या मतलब है मान लीजिए हमारे पास तीन चीज़ें हैं तीन चीज़ें हम कंपेयर करते हैं एक है आइस राइट दूसरा है वाटर नॉर्मल टेम्परेचर में और तीसरा है टी जो हॉट टी है राइट हॉट टी तो अब अगर हम इन तीनों को कंपेयर करेंगे तो इसमें कौन हीट है किसकी हीट ज़्यादा है या किसका टेम्परेचर ज़्यादा है ये सब रिलेटिव चीज़ें हैं राइट हॉटनेस एंड कोल्डनेस आर द रिलेटिव ऑब्जेक्ट तो कैसे समझेंगे मान लीजिए अगर आप वाटर और आइस को कंपेयर करेंगे राइट right. तो इसमें से वाटर क्या होगा हॉट कंपेरेटिवली आइस के कंपेरिजन में और जो आइस होगा वो होगा कोल्ड राइट बट अगर आप वाटर और टी को कंपेयर करेंगे तो अभी हम इन दोनों के कंपेरिजन में क्या करेंगे टी को हम कहेंगे हॉट hot और हॉटर और अब ये वाटर क्या होगा ये हॉट ना हो कि ये क्या हो जाएगा कोल्ड तो कोई भी चीज़ हॉट uh, है या कोल्ड है ये हम कब कह पाएंगे जब हम उसे दूसरे किसी चीज़ से कंपेयर करते हैं अगर कंपेरिजन नहीं है तो हम लोग नहीं बता सकते हैं ये हॉट है या कोल्ड है दैट्स वाई वी आर सेइंग दैट हॉटनेस एंड कोल्डनेस आर द रिलेटिव कॉन्सेप्ट एक को जब हम दूसरे से कंपेयर करेंगे तभी हम बता पाएंगे कि वो ऑब्जेक्ट हॉट है या कोल्ड है दूसरे के कंपेरिजन में जब आप कंपेरिजन नहीं करोगे तो आप नहीं बता पाओगे कि वो हॉट है या कोल्ड है राइट द नेक्स्ट थिंग इज अब कितनी हीट किसी भी ऑब्जेक्ट में है उसको मीजर कैसे करेंगे सो अ रिलायबल मेजर ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज टेम्परेचर जैसा हमने शुरू में बताया तो किसी भी ऑब्जेक्ट में कितनी हीट है इसको हम कैसे बताएंगे बाय मेजरिंग द टेम्परेचर तो हीट का मेजरमेंट हम मान सकते हैं बाय मेजरिंग द टेम्परेचर राइट इतना क्लियर आगे चलते हैं अब हम टेम्परेचर को कैसे मेजर करेंगे तो कोई भी चीज़ मेजर करने के लिए हमारे पास एक डिवाइस होती है इन द सेम वे टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हमारे पास एक डिवाइस है जिसको हम कह रहे हैं थर्मोमीटर आप लोगों ने देखा भी होगा थर्मोमीटर क्या होता है सो so, कई सारे टाइप के थर्मोमीटर हैं उनमें से जो कॉमन थर्मोमीटर है वो दो हैं एक है क्लिनिकल थर्मोमीटर और एक है लेबॉर्टरी थर्मोमीटर नाम से पता चल रहा है क्लिनिकल थर्मोमीटर मीन्स क्लिनिक्स में जो यूज़ होने वाला थर्मोमीटर है और क्लिनिक में यूज़ होने वाला थर्मोमीटर का मतलब यहाँ पे है जो डॉक्टर्स uh, लोग जो थर्मोमीटर uh, यूज़ करते हैं उसकी बात हो रही है तो डॉक्टर लोग बेसिकली क्या करते हैं ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मेजर करते हैं नॉर्मली राइट तो डॉक्टर लोग जो थर्मोमीटर यूज़ करते हैं उसको हम कहते हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर तो इसका क्या काम है इट मेजर्स आवर बॉडी टेम्परेचर अब ये कितना से कितना टेम्परेचर मेजर कर सकता है इसका जो रेंज है वो है थर्टी फाइव डिग्री सेल्सियस टू फोर्टी डिग्री सेल्सियस फोर्टी टू डिग्री सेल्सियस क्यों इसका इतना रेंज है वो भी समझ लीजिए क्योंकि जो नॉर्मल टेम्परेचर है ह्यूमन बींग का वो थर्टी सेवन डिग्री सेल्सियस है राइट right. तो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल थर्टी सेवन डिग्री सेल्सियस तो उसी के ऑलमोस्ट क्या होता है क्लिनिकल थर्मोमीटर का रेंज भी होता है नॉर्मली ह्यूमन बींग का जो टेम्परेचर है वो थर्टी फाइव से नीचे नहीं जा सकता है और फोर्टी टू डिग्री सेल्सियस से ऊपर भी नहीं जा सकता है थर्टी सेवन से नीचे थोड़ा बहुत जा सकता है और थर्टी सेवन से ऊपर भी थोड़ा बहुत जा सकता है बट थर्टी फाइव से नीचे नहीं जाएगा और फोर्टी टू से नीचे ऊपर नहीं जाएगा दैट्स वाई द रेंज ऑफ क्लिनिकल थर्मोमीटर इज़ थर्टी फाइव टू फोर्टी टू डिग्री सेल्सियस दूसरा जो थर्मोमीटर है नाम से पता चल रहा है लेबॉर्टरी थर्मोमीटर तो इसका क्या काम है इट इज़ यूज इन लैब्स जो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट लैब में परफॉर्म किए जाते हैं उनको मेजर करने के लिए ये कॉमन टाइप के हैं इसके अलावा भी टेम्परेचर हो थर्मोमीटर हो सकते हैं और इससे नीचे भी टेम्परेचर हो सकता है इससे ऊपर भी टेम्परेचर हो सकता है और उनको भी मेजर किया जा सकता है बट नॉर्मल कंडीशन में हम बात कर रहे हैं दैट देर आर टू टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर्स और उनकी टेम्परेचर रेंज ये है इससे नीचे भी टेम्परेचर मेजर किया जाता है और इससे ऊपर भी बट हम नॉर्मल कंडीशन की बात कर रहे हैं सो so, जो लेबॉर्टरी थर्मोमीटर है उसका रेंज कितना है माइनस टेन डिग्री सेल्सियस से वन हंड्रेड एंड टेन डिग्री सेल्सियस और जो क्लिनिकल थर्मोमीटर था उसका रेंज था थर्टी फाइव टू फोर्टी टू डिग्री सेल्सियस राइट अब आप देख लीजिए ये जो आपको दिखाया गया है ये कौन सा थर्मोमीटर होना चाहिए आप इसका रेंज देखिए ये रेंज कहाँ से कहां तक है ये लोअर रेंज आपको दिखाई दे रहा है थर्टी फाइव और ये आपको दिखाई दे रहा है फोर्टी टू तो ये कैसा थर्मोमीटर है दिस इज वट क्लिनिकल थर्मोमीटर राइट और ये जो थर्मोमीटर है इसके अगर आप कॉम्पोनेंट देखेंगे तो ये जो चीज है ये और जो पार्ट है इसको हम कहते हैं बल्ब राइट और यहां आपको एक कैपलरी ट्यूब दिखाई दे रही है इस कैपलरी ट्यूब में आप मूव करते हुए देख सकते हैं ये जो आपको लाइन दिखाई दे रही है डार्क ये बेसिकली किसकी लाइन है मरकरी की लाइन मरकरी एक मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में रहता है और जैसे ही टेम्परेचर इसको मिलेगा ये फैलेगा तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा मरकरी इस कैपलेरी ट्यूब में उतना ऊपर तक जाएगा और वो टेम्परेचर बताएगा राइट सो टेम्परेचर मेजर करने के लिए इसको क्या कर लेते हैं इस बल्ब को या तो मुंह में रख लेते हैं या तो एक जिला में रख लेते हैं तो ये पेशेंट की बॉडी का टेम्परेचर बताता है राइट right? तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है ये बल्ब है और यहाँ मरकरी है इसमें और जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा ये मरकरी इस कैपिलरी में ये पूरा जो पाइप जैसा आपको दिखाई दे रहा है ये कैपिलरी इसमें मरकरी ऊपर जाएगा तो जहाँ तक मरकरी चढ़ेगा वो क्या हो जाएगा टेम्परेचर हो जाएगा सो दिस इज़ वॉट द मरकरी थर्मोमीटर इसके बाद ये जो मरकरी थर्मोमीटर है अब जो मरकरी है मरकरी uh, जो एलिमेंट है वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है राइट right. बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है तो इसलिए नावर्ड इज इस टाइप के थर्मोमीटर क्या हो रहे हैं धीरे धीरे रिप्लेस किए जा रहे हैं और इनकी जगह में आप लोगों ने आजकल देखा होगा कैसे थर्मोमीटर हैं डिजिटल थर्मोमीटर हैं तो ये आपको यहाँ पे डिजिट्स में दिखाई दे रहा है टेम्परेचर इसने मेजर किया है तो ये भी जैसे पहले हमने बल्ब देखा था वैसी पार्ट ये भी है तो इसको पेशेंट की एक्जिला में रख लेते हैं कुछ देर के लिए और फिर ये क्या करता है बॉडी का टेम्परेचर बता देता है तो इसमें मरकरी नहीं है क्यों मरकरी नहीं है बिकॉज मरकरी इज अ वेरी टॉक्सिक एलिमेंट तो उसकी जगह में ये है राइट right? तो ये बात हमने की किसकी क्लिनिकल थर्मोमीटर की उसमें मरकरी थर्मोमीटर हमने देखा और डिजिटल थर्मोमीटर हमने देखा इसके बाद आप देखिए ये जो थर्मोमीटर आपको दिखाई दे रहा है ये मरकरी टाइप थर्मोमीटर है अब ये क्लिनिकल होगा या लेबोर्ट्री थर्मामीटर होगा वो आपको इसकी रेंज देखने से पता चल जाएगा तो ये आप देख सकते हैं इसकी जो मिनिमम रेंज है वो माइनस टेन आपको दिखाई दे रही है और जो अपर रेंज है मैक्सिमम रेंज है वो वन वन टेन आपको दिखाई दे रही है राइट वन हंड्रेड एंड टेन आपको दिखाई दे रही है तो इट मीन्स ये जो थर्मोमीटर है ये कैसा थर्मोमीटर है लैब में यूज करने वाला लेबॉर्टरी थर्मोमीटर है राइट right? अगेन आप सारे पार्ट यहाँ देख सकते हैं ये बल्ब है इसमें है मरकरी और जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा ये मरकरी राइज करेगा तो अभी प्रजेंट में ये इतना टेम्परेचर दिखा रहा है तो ये टेम्परेचर कितना होना चाहिए टेन और ट्वेंटी के बीच में तो ये फिफ्टीन डिग्री सेल्सियस क्या बता रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर बता रहा है तो ये हमने बात की टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर की लेबोरेटरी एंड क्लिनिकल राइट अब अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर मेजर करना है तो हम कैसे मेजर करेंगे तो मान लीजिए हमारे पास ये जो है ये लेबॉर्टरी थर्मो है और हम किस लैब में वाटर सैंपल का टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं राइट तो बीकर में वाटर रखा है आपको दिखाई दे रहा है अब सही तरीका इनमें से क्या होना चाहिए कि जो बल्ब है थर्मोमीटर का वो उस सब्सटेंस में डिप होना चाहिए जिसका हम टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं तो सारे केसेस में आप देखेंगे जो बल्ब है मरकरी थर्मोमीटर का वो क्या है डिप किया गया है किसमें वाटर में कंप्लीटली डिप किया गया है राइट right? अब होना क्या नहीं क्या चाहिए कि जो थर्मामीटर है हमें जो अपने हाथों से हमें बल्ब को टच नहीं करना है राइट right? हमें बल्ब को टच नहीं करना हमें ये वाला पोर्शन टच नहीं करना है अगर हम ये वाला पोर्शन टच करेंगे अपने हाथों से तो वो हमारे हाथ का टेम्परेचर बताएगा इसलिए इस थर्मामीटर को कहाँ पकड़ा गया है ऊपर की तरफ पकड़ा गया है यहाँ नहीं टच करना है इसको एक बात दूसरी बात अगर आप क्या करेंगे इस थर्मामीटर को हमने कंटेनर की बॉटम से भी नहीं टच कराना है और उसकी वॉल से भी टच नहीं कराना है ठीक है तो हमें वाटर सैंपल का टेम्परेचर मेजर करना है तो ये जो थर्मामीटर का बल्ब है ये केवल वाटर को ही टच करना चाहिए राइट इस केस में आप देख सकते हैं ये बॉटम को टच कर रहा है यहाँ भी बॉटम को टच कर रहा है राइट यहाँ वॉल को टच कर रहा है और यहाँ बॉटम को टच कर रहा है तो हमें थर्मामीटर ऐसा रखना है कि जो बल्ब है थर्मामीटर का वो कम्प्लीटली डीप हो वाटर में और ये क्या करे उसको उसका टेम्परेचर मेजर करे नहीं ये वॉल को टच करना चाहिए नहीं बॉटम को टच करना चाहिए राइट right? तो ये वाला तरीका सही होगा थर्मोमीटर से टेम्परेचर मेजर करने का तो हमें क्या ध्यान रखना है कि बल्ब से हमें क्या नहीं करना है हाथों से बल्ब को टच नहीं करना है एक बात और दूसरी बात जो बल्ब है दैट शुड नॉट टच द बॉटम ऑफ द कंटेनर एंड वॉल्स ऑफ द कंटेनर तो उसमें जो रीडिंग बताएगा थर्मोमीटर वो करेक्ट रीडिंग होगी सैंपल की क्लियर इसके बाद ये तो थी किसकी बात टेम्परेचर की बात अब अगर हम देखेंगे कि जो हीट है वो कैसे फ्लो करती है एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस में हमने क्या कहा है दैट हीट ऑलवेज ट्रांसफर्स फ्रॉम हॉटर ऑब्जेक्ट टू कोलर ऑब्जेक्ट कोल्डर ऑब्जेक्ट अंटिल द टेम्परेचर ऑफ बोथ द ऑब्जेक्ट बिकम इक्वल ठीक है इसको हम कहते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम मान लीजिए आपके पास कोई हॉट कप ऑफ टी है एक बार राइट right. और दूसरा हमारे पास क्या है आइस क्यूब तो ये आइस क्यूब को अगर आप रखेंगे रोम में और ये हॉट कप ऑफ टी को भी आप रखेंगे रूम में रूम का मतलब है रूम टेम्परेचर के कॉन्टेक्ट में इसको रखेंगे तो क्या होगा जो आइस क्यूब है वो धीरे धीरे मेल्ट होगा राइट मेल्ट होने का मतलब है इससे क्या हो रहा है ये क्या कर रहा है हीट को ले रहा है फ्रॉम द सराउंडिंग मेल्ट होने के लिए हीट चाहिए तो आइस क्यूब सराउंडिंग से हीट लेगा और ये मेल्ट हो जाएगा राइट right? मतलब इसका टेम्परेचर क्या होगा बढ़ेगा हम प्लस से दिखा देते हैं और हॉट कप ऑफ टी जो है वो क्या होगा उसका टेम्परेचर घटेगा वो तो उतना गर्म रहने वाला नहीं है राइट right? तो इसका क्या मतलब है इससे हीट जा रही है एक बात इतना क्लियर दूसरी बात ये जो आइस क्यूब है ये मेल्ट होते होते वाटर में चेंज हो जाएगा बट वो वाटर बॉयल नहीं होगा मतलब एक लिमिट तक ही ये क्या करेगा हीट को एब्जॉर्ब करेगा और दूसरा जो हॉट कप ऑफ टी है वो हीट देगा और इतना ठंडा हो जाएगा कि रूम टेम्परेचर पे आ जाए मतलब ये ठंडा हो कि फिर ये आइस में चेंज नहीं होगा ये फ्रीज नहीं होगा राइट right? इसको फ्रीज़ नहीं ये अपने आप से फ्रीज नहीं होगा इसका मतलब है हॉट कप ऑफ टी हीट देगा और आइस क्यूब हीट लेगा बट ये कब तक हीट देंगे और लेंगे जब तक इनका टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर के इक्वल ना हो जाए और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम राइट इसको हम कहते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब बराबर टेम्परेचर होगा ऑब्जेक्ट और सराउंडिंग का तो ये है कॉन्सेप्ट ऑफ हीट ट्रांसफर अब हीट ट्रांसफर कितने तरीके से हो सकता है इसको देख लीजिए तो हीट ट्रांसफर के तीन तरीके हैं नंबर वन कंडक्शन तो कंडक्शन क्या है इट रेफर्स टू द ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू द मोवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स दैट आर इन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर मान लीजिए देर आर पार्टिकल्स वन टू थ्री फोर फाइव एंड सो ऑन और ये क्या है एक दूसरे के क्लोज कॉन्टेक्ट में है ये एक दूसरे को टच कर रहे हैं मैंने काफी दूर दूर दिखाए हैं बट एक्चुअली ये एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो जब एक एंड uh, में हम क्या करेंगे हीट सप्लाई करेंगे तो ये पार्टिकल गर्म होगा और ये अपनी हीट को इसको देगा फिर ये पार्टिकल गर्म होगा ये अपनी हीट को इस पार्टिकल को देगा ऐसे ये पार्टिकल गर्म होगा और ये अपनी हीट को इसको देगा तो इस तरीके का जो मेथड ऑफ हीट ट्रांसफ़र है इसको हम कहते हैं कंडक्शन तो याद रखिए कब कंडक्शन होता है वैन वैन द पार्टिकल्स आर इन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर और पार्टिकल सबसे ज़्यादा क्लोज कॉन्टेक्ट में किस में होते हैं ये होते हैं सॉलिड्स में तो इसका मतलब है सॉलिड में जो हीट कंडक्शन होता है वो होता है बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन राइट अब ये डायग्राम में आप देख सकते हैं ये सॉलिड के पार्टिकल है काफ़ी दूर दूर दिखाए गए हैं फॉर द कन्वीनियंस समझने के लिए दिखाए गए हैं दूर दूर और सॉलिड के पार्टिकल क्या करते हैं वो अपना प्लेस नहीं छोड़ते हैं वो केवल अपनी जगह पे वाइब्रेट करते हैं मतलब ये जो पार्टिकल है ये इधर जाएगा और इधर जाएगा बट ये अपना परमानेंटली ये प्लेस छोड़ने वाला नहीं है सो so, ये जो पार्टिकल है ये केवल अपनी जगह पे आगे और पीछे वाइब्रेट करेगा राइट right. ऐसे सारे के सारे पार्टिकल है तो जब हम इसको हीट इनपुट देंगे मान लीजिए ये कोई मेटल है वायर है या कोई भी और चीज़ है मेटल है जो हीट का कंडक्टर है तो अगर आप इस एंड में हीट देंगे तो आप देखते होंगे कोई स्पून है या कोई भी मेटल का रॉड है अगर आप एक एंड को गर्म करेंगे तो अगला एंड भी गर्म हो जाता है तो वो कैसे होता है जब आप इस एंड को हीट देते हैं तो ये पार्टिकल वाइब्रेट करता है और जा, जितनी ज़्यादा हीट होगी उतना ज़्यादा वाइब्रेट करेगा तो इस वाइब्रेशन में ये क्या कर रहा है अपनी हीट को बाकी पार्टिकल को दे रहा है राइट तो बाकी पार्टिकल भी हीट अगेन करके क्या करेंगे वो वाइब्रेट करेंगे और वो अपनी हीट को अगले पार्टिकल को देंगे और यही प्रोसेस चलता रहता है कि पार्टिकल क्या करते हैं अपनी हीट को आगे पास ऑन करते रहते हैं इस तरीके से आप एक एंड में हीट सप्लाई देंगे तो पूरा जो रॉड है वो गर्म हो जाएगा तो जो आप यूटेंसिल देखते हैं खाना बनाने वाले जो बर्तन है उसका एक एंड हम गर्म करते हैं और पूरा गर्म हो जाता है राइट right? सो so, वो किस प्रोसेस से हो रहा है बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन तो कंडक्शन का प्रोसेस हमने समझा ये किस में होता है जो सॉलिड्स uh, हैं उसमें होता है द नेक्स्ट वन इज कन्वेक्शन तो कन्वेक्शन क्या है कन्वेक्शन इज हीट ट्रांसफर बाय मोशन ऑफ फ्लूड और फ्लूड किसको कहते हैं जो फ्लो करता है और फ्लो कौन करता है लिक्विड एंड गैसेज राइट वेन द हीटेड फ्लूड इज कॉज टू मूव अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ हीट कैरिंग एनर्जी विथ ईट तो इसमें क्या है कन्वेक्शन में मान लीजिए ये वाटर आपके सामने है तो जैसे आप वाटर को गर्म करते हैं तो जो वाटर जहाँ हमने हीट सप्लाई दिया है वहाँ वाटर पहले गर्म होगा राइट right? और ये गर्म होके ऊपर चला जाएगा सॉलिड में ऐसा नहीं था सॉलिड में जो पार्टिकल हैं वो अपना प्लेस नहीं छोड़ रहे थे बट कन्विक्शन में जो कि लिक्विड और गैसेस में है यहाँ से सॉलिड के पार्टिकल सॉरी लिक्विड के पार्टिकल जो गर्म हो गए हैं वो ऊपर जाएंगे राइट right? और ऊपर जाएंगे तो क्या होगा वहाँ जो ठंडे पार्टिकल हैं वो उनका प्लेस लेने के लिए नीचे की तरफ आएंगे तो गर्म वाले पार्टिकल ऊपर जा रहे हैं और ठंडा वाले पार्टिकल नीचे आ रहे हैं तो एक करंट सेटअप हो गया है जिसको हम कहते हैं कन्वेक्शन करंट तो इस तरीके से क्या होगा धीरे धीरे सारा जो लिक्विड है वो गर्म हो जाएगा तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं कन्वेक्शन प्रोसेस जो कि कंडक्शन से अलग है राइट तो इसमें क्या कर रहा है जो पार्टिकल हैं वो अपना प्लेस छोड़ रहे हैं परमानेंटली तो वार्मर पार्टिकल वार्म जो पार्टिकल है वो ऊपर जाएगा और यहाँ जो कोल्ड पार्टिकल था वो नीचे आएगा राइट right? इस तरीके से पूरे कंटेनर में कन्वेक्शन करंट सेटअप होंगे और पूरा कंटेनर में जो लिक्विड रखा है वो क्या हो जाएगा हीट हो जाएगा इसके बाद तीसरा प्रोसेस है जिसको हम कहते हैं रेडिएशन राइट तो रेडिएशन क्या है रेडिएशन इज अ मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर दैट डज नॉट रिले अपॉन एनी कॉन्टेक्ट बिटवीन द हीट सोर्स एंड द हीटेड ऑब्जेक्ट एज इन कंडक्शन एंड कन्वेक्शन तो कंडक्शन और कन्वेक्शन में क्या होना चाहिए देयर शुड बी अ कॉन्टेक्ट बिटवीन द हीट सोर्स एंड द ऑब्जेक्ट टू बी हीटेड तो यहाँ क्या होना चाहिए कॉन्टैक्ट होना चाहिए यहाँ ऑब्जेक्ट और इसके बीच में कॉन्टैक्ट है राइट यहाँ ऑब्जेक्ट और हीट सोर्स के बीच में कॉन्टैक्ट है बट जो रेडिएशन है उसके बीच में जो हीट सोर्स है और जो ऑब्जेक्ट है उसके बीच में कोई मीडियम नहीं भी होगा तब भी हीट यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल करती है राइट right? इसका मतलब है हीट कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू द एमटी स्पेस बाय रेडिएशन और इसका एग्जाम्पल है द एनर्जी ऑफ सन रीचेज टू अर्थ बाय रेडिएशन तो सन से आने वाली जो एनर्जी है जो अर्थ तक पहुंचती है वो स्पेस से होकर गुजरती है जिसमें कई जगह कोई मीडियम नहीं है राइट right? तो ये जो प्रोसेस है दिस इज वॉट रेडिएशन कोई मीडियम का रिक्वायरमेंट इसमें है ही नहीं सो दिस इज रेडिएशन आप ऐसा भी देख सकते हैं ये जो फ, फ, फायर प्लेस यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है तो यहाँ से यहाँ तक जो हीट हमें मिल रही है वो कैसे मिल रही है रेडिएशन के ज़रिए कोई मीडियम भले बीच में एयर है बट एयर नहीं भी होती तब भी क्या होता जो हीट है वो यहाँ तक पहुँच जाती यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है और जो हीट सोर्स है उसके बीच में कोई कॉन्टैक्ट नहीं है राइट फिर भी क्या है जो हीट है वो यहाँ से यहाँ तक पहुँच रही है सो दिस इज़ वॉट रेडिएशन तो तीन मेथड हमने देखे हीट ट्रांसफर के कंडक्शन कन्वेक्शन एंड रेडिएशन और ऑब्जेक्ट को हम क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैपेसिटी टू ट्रांसफर हीट जो ऑब्जेक्ट अपने में से हीट को पास होने देते हैं उनको हम कहते हैं कंडक्टर या गुड कंडक्टर और जो नहीं होने देते हैं उनको हम कहते हैं इंसुलेटर या बैड कंडक्टर इसके एग्जाम्पल आप लोगों को पता होंगे क्लास सिक्स से हम पढ़ते आ रहे हैं एल्यूमिनियम आयरन कॉपर और भी सारे मेटल जो कंडक्टर हैं और प्लास्टिक वुड रबर ये सारा ग्लास ये वुड एंड रबर ये क्या है आपके इंसुलेटर हैं तो पार्ट वन में इतना ही थैंक यू फॉर वॉचिंग और आगे जो चैप्टर में बस गया है उसको हम दूसरे वीडियो में कवर करेंगे थैंक यू फॉर वॉचिंग थैंक यू वेरी मच